पण तू नाशिक ओरेंजचे की आपका वो दोस्त वाला कैसा लग रहा है नाशिक? धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि नागपुर सिटी में आके इतना अच्छा स्वागत हुआ है सबसे पहले एयरपोर्ट पे, उसके बाद में यहाँ के जो डांसर्स का वाइब है इट्स अमेजिंग। आई मीन टैलेंट तो है ही है, बट साथ में वो चाह है, वो एंथुजियाज्म है कि हमको कुछ करना है, कुछ सीखना है। आई मीन वी बोथ आर स्टंट, बहुत अमेज है और बहुत खुश है कि इस तरीके का क्राउड मिला है जिनको हमें भी सिखाने में मज़ा आ रहा है। एंड बताना चाहूँगा कि एच के डांस स्टूडियो हनी खट्टर का है, मेरे फ्रेंड का, बहुत अच्छे दोस्त का, एंड ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन नागपुर। मतलब इतना बड़ा अकेडमी चलाना इतने सारे बच्चों के साथ में, उसके बाद में एवरी ईयर बैक टू बैक आर्टिस्ट लाना यहाँ पे, वर्कशॉप्स करवाना जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यहाँ पे एजुकेशन मिलना चाहिए, यहाँ पे नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए। सो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा इस बात की दाद देते हैं कि ऐसी अकेडमीज नागपुर जैसे शहर में हैं और चल रही है और बहुत अच्छे से वर्क कर रही है एजुकेशन, डांस एजुकेशन सेक्टर के लिए, खासतौर से डांसिंग को लेके विदर्भ की, विदर्भ के यूथ को क्या मैसेज दे दिया? डांस यूथ में आजकल बहुत ऐसा ट्रेंड हो गया क्योंकि आजकल बहुत सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। और एक अच्छा साइड भी है कि लोग सीखने की चाह रख रहे हैं, देखने की, हाँ मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा करना है। बट एक अदर साइड है कि उनके पास कोई कोई छोटी सिटीज़ में नॉलेज नहीं है, बट हम लोग के पास ये प्रिविलेज मिला, थैंक यू हनी खट्टर जी, उन्होंने हमें बुलाया और हमें प्रिविलेज मिला कि हमारा जो नॉलेज है हम उनके साथ बांट सके, बिकॉज वो ये शहर में शायद से उनको ये नॉलेज नहीं मिले, बट हमें अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग अपना जो नॉलेज है उनके साथ शेयर कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ से, छोटी सिटीज से, वो हमसे कुछ सीख के अगर आगे जाके अगर कुछ रियलिटी शो में कुछ नाम कमा ले, बन जाए, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं वहाँ तक ले जाने के लिए आप लोग का सहयोग चाहिए। ऑफकोर्स हम तो हमेशा वहाँ पे, हम लोग तो ऑब्वियसली हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग वी बिलीव इन डांस टू विन हार्ट्स। हम लोग चाहते हैं कि सब में बढ़े, सब लोग प्यार बढ़े, डांस एक दूसरे का नॉलेज बढ़े और सब एक साथ आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि इसको दबा के आगे बढ़ना, उसको दबा, सब एक साथ आगे बढ़े। क्या होता है ना, छोटी सिटी नहीं बोलूंगा मैं, बट जितनी मुंबई डेवलप्ड है उतना अभी तक नागपुर को डेवलप होने में टाइम है। नासिक मेरा खुद का शहर है, उसको भी टाइम है। अहमदाबाद है, छोटी छोटी जो दूसरी सिटीज़ है वहाँ पर क्या होता है ना, अकेडमीज़ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बहुत सारी अकेडमीज़ होंगी नागपुर में लेकिन ना सब अलग अलग है, बट यही दिल्ली और बॉम्बे में आप देखेंगे ना सब यूनाइटेड होके चलते हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई है ये चीज़ की कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है। डांसर्स का जो ये जो एजुकेशन सेक्टर है ना, ये अगर डिवाइड होके चलेगा ना तो सिटी के लिए अच्छा नहीं है। अकेडमीज जब मिलके चलेंगी ना तो एक नया रेवोल्यूशन आएगा, हर किसी को पता रहेगा कि ये बेस्ट है मेरे लिए, जिसको जो स्टाइल पसंद है वो स्टाइल सीख पाएगा अच्छे से। एंड लव एंड पीस बना रहना चाहिए डांसर्स के बीच में, यही मैं बताना चाहूँगा यहाँ के यूथ को। एंड आई एम श्योर जितना अभी हम देख रहे हैं, चाह बहुत है करने की, सिर्फ एक पुश की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो यहाँ पे आई एम श्योर हनी इज़ देयर, उनकी पूरी टीम है यहाँ पे उनको देने के लिए। हनी जी, जैसा भी यूनाइटेड की बात हुई तो वाकई पर नागपुर में जिस तरीके से विदर्भ की बात की जाए, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आगे जिस खुशी की बात की गई, आज इसको लेके आगे आपका और क्या? और ऐसा है कि 8 साल पहले मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, तब कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो अब मैं तो धक्के खा के मैंने 8 साल अपने इस करियर को दिए, लेकिन अगर मुझे कहीं से पुश मिल जाता तो शायद ये चीज उस समय मैं आज से 6 साल पहले कर चुका होता था। जहाँ आपके पास ऑलरेडी खड़े हैं, अभी मेरे साथ खड़े हैं और अभी खड़े हैं, तो मेरे जो आगे स्टूडेंट्स हैं इनको इसी तरीके से मैं फ्री वर्कशॉप्स प्रोवाइड करता रहूँगा। इसका हम लोग कभी चार्ज नहीं करते, रीज़न इसकी छोटे से छोटे घर का इंसान ये सीखे, उसको अपॉर्चुनिटी हम देंगे। एंड वी ऑल्सो हैव अ स्कॉलरशिप, आज भी यहाँ पे कई बच्चों को स्कॉलरशिप अनाउंस होने वाली है, ठीक है। उसी तरीके से कोई ऐसा बच्चा हो, दे कैन अप्लाई, अगर उसमें चाह है, नहीं आता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जरूरी नहीं है कि उसको डांस आता हो, बट अगर नहीं आता है उसमें सिर्फ चाह है, सिर्फ पैशन है, हम उसके साथ खड़े एंड 24 आवर्स हम उसके साथ करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे उसको पेरेंट्स को समझाना हो, क्योंकि डांस में हर पेरेंट सपोर्ट नहीं करता और कोई एजुकेशन सेक्टर नहीं जो स्कॉलरशिप देता हो, बट यस एच के अकेडमी देती है, चाहे वो किसी और अकेडमी में भी सीखता हो ना, दैट डजंट मैटर।